सबसे पहले गाइस आप लोगों का शुक्रिया, आपने कल की वीडियो को बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस दिया। लेकिन गाइस रिस्पांस के साथ आप लोगों के काफी कमेंट्स भी थे कि हमारे डिवाइस के लिए अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ थर्ड बैच के डिवाइस के बारे में। फिलहाल उनके बारे में बहुत सारा न्यूज था यार, न्यूज कह रहा हूँ मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन था जिसे मुझे अभी इस वीडियो के अंदर कवर करना पड़ेगा। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज के दिन कौन से अपडेट को रिलीज किया है, कौन से डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन आया है। तो चले यार बहुत करनी है आज की वीडियो के अंदर, तो कर लेते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों के कमेंट थे कि यहाँ पे Redmi Note 7 S को यहाँ पे इंडियन वर्जन के अंदर अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अभी तक हमें पता है कि इंडिया के अंदर कोई भी अपडेट को रिलीज नहीं किया गया है, बल्कि जो किया गया है वो एक बीटा टेस्ट यूजर्स के लिए है। मतलब कि हमें यहाँ पे कोई भी अपडेट के लिंक वगैरह प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। लेकिन गाइज मैं आपको एक खुशखबरी बताऊँ, मतलब गुड न्यूज़ बताऊँ आपको, यहाँ पे जितने भी मतलब और रिलीजन्स हैं यहाँ पे सभी के अंदर Redmi Note 7 S को अपडेट मिल चुका है। लगभग यहाँ पे इंडिया के अंदर रह चुका है और यहाँ पे बताया गया कि एक हफ्ते के अंदर आपको इसके अंदर अपडेट मिलना चालू हो जाएगा इंडिया के अंदर। मतलब एक ही हफ्ते के अंदर आपको सभी डिवाइसेस के अंदर तो नहीं, लेकिन हाँ Redmi Note 7 सीरीज के अंदर आपको अपडेट मिलना चालू हो जाएगा। उसके अलावा गाइज यहाँ पे पता चला है कि जो यहाँ पे Redmi 8 की सीरीज है ना, इसे अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे बताया गया था कि नवंबर के महीने में आपको इसके अंदर अपडेट मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन नवंबर चालू हो चुका है, इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। किसी भी देश के अंदर कोई भी अपडेट को रोलिंग आउट नहीं किया जा रहा है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के लास्ट तक ये अपडेट को पोस्टपोन किया जा सकता है। उसके अलावा गाइस यहाँ पे बात करने वाला है Redmi 7 सीरीज के बारे में। अगर आप यहाँ पे Redmi 7 सीरीज का कोई भी फोन यूज करते हो, मतलब Redmi 7, 7A, Y3 वगैरह कोई भी डिवाइस आपके पास है, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको यहाँ पे जो Redmi 7 की सीरीज है ना, इसे आपको एंड ऑफ ईयर के लिए मतलब अपडेट मिलेगा। मतलब पूरा लास्ट में यार, मतलब क्या ही बोलें यार, मतलब पूरा लास्ट तक हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास है Redmi 7 है तो आपको शायद इसका अपडेट दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर या फिर दूसरे हफ्ते के अंदर चालू हो जाएगा मिलना। लेकिन यहाँ पे बात यही है कि आपको एंड ऑफ ईयर ही देखने को मिलेगा, ज्यादातर यहाँ पे यही कंफर्मेशन है। उसके अलावा यहाँ पे पोको M2 Pro के लिए टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जो टेस्टिंग के अंदर था इसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो बहुत ही जल्द आपको इसका अपडेट रिलीज किया जाएगा। लेकिन अभी तक मेंशन नहीं किया गया है कौन सी डेट को किया जाएगा, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, आपकी जितनी भी टेस्टिंग थी डिवाइस के लिए, यह सभी कुछ कंप्लीट हो चुकी है, अभी बस आपको वेट करना है जितना आप कर सकते हो। और हाँ गाइज, आज के दिन इंडिया के अंदर कोई भी अपडेट को रिलीज नहीं किया गया है। अगर आपको लगता है कोई अपडेट रिलीज किया है, तो ऐसा नहीं है। आज के दिन कोई भी अपडेट को इंडिया के अंदर रिलीज नहीं किया गया, जो कि काफी गलत बात है। एंड मुझे नहीं लगता है कितने दिन यहाँ पे पोस्टपोन किए जाएंगे अपडेट एंड कब तक यहाँ पे अपडेट हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल मैंने जो डेट बताई है यहाँ पे, मतलब आपको यहाँ पे अपडेट मिलना चालू हो जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना यार, मिलता हूँ अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।